साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है मगर अपने पीछे ढेरों सवाल छोड़कर गई हैं। क्या भोजपुरी सिनेमा की चमक भी बॉलीवुड की तरह काली पड़ चुकी है? क्या भोजपुरी सिनेमा की इस आत्महत्या के पीछे भी एक हत्यारा बैठा है? और क्या सुशांत सिंह राजपूत की तरह आकांक्षा का सच भी कभी बाहर नहीं आ पाएगा? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसी बीच आकांक्षा दुबे केस में भोजपुरी फिल्मों के जाने माने प्रोड्यूसर यश कुमार ने अपनी जुबान खोल दी है और वो सब कुछ बता दिया जिसको छिपाने की कोशिश की जा रही थी। कैसे आकांक्षा से आरोपी समर सिंह ने जबरन शादी की थी, कैसे समर सिंह और उसका भाई आकांक्षा को कैद में रखते थे, टॉर्चर करते थे, और जब आकांक्षा ने अपने मन मुताबिक काम करना चाहा तो कैसे उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ सारनाथ का वो होटल सवालों के घेरे में आ गया है तो वहीं सारनाथ की पुलिस की जांच पर भी कई प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो आपको आकांक्षा दुबे मामले में जो भी दिन भर का अपडेट है वो बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री और हजारों फैंस के दिलों की धड़कन आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पर आकांक्षा को आखिरी विदाई दी गई। आकांक्षा तो बिना कुछ कहे बिना कुछ लिखे इस दुनिया से चली गई मगर यूपी बिहार के पूर्वांचल इलाके में सनसनी पसरी हुई है। जब से आकांक्षा दुबे की मौत हुई है तब से ही हाहाकार मचा हुआ है। पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में जाकर छानबीन कर रही है। भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पर दबिश दी जा रही है मगर FIR के 24 घंटे बाद भी दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब ये तो सब जानते हैं कि पुलिस चाहे तो पाताल से भी आरोपियों को ढूंढ निकाले मगर यहाँ FIR करने के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हैं क्योंकि अभी तक पुलिस ने ना तो होटल के CCTV खंगाले हैं और ना ही उस पार्टी के जहां आकांक्षा आखिरी बार गई थी क्योंकि हो सकता है कि आकांक्षा के खिलाफ साजिश उसी पार्टी से शुरू हुई हो। कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस की स्लो इन्वेस्टिगेशन आरोपियों को फायदा पहुंचा दे क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। शुरुआती जाँच कर रही मुंबई पुलिस की लापरवाही से सारे सबूत खत्म हो गए थे और ऐसा ही इस केस में होने की संभावना को लेकर पुलिस पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल तो सारनाथ पुलिस ने ऐलान किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर समर सिंह और संजय सिंह सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके रिश्तेदारों और उनके परिवार वालों की गिरफ्तारी की जा सकती है और हो सकता है कि इस चेतावनी के बाद समर सिंह और संजय सिंह को पुलिस के सामने आना ही पड़े, सरेंडर करना ही पड़े। वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा को फिल्मों में लॉन्च करने वाले फिल्म निर्माता यश कुमार ने एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे करके सबको चौंका दिया और सबसे बड़ा खुलासा है समर सिंह और आकांक्षा की शादी का। जी हाँ, अब तक कहा जा रहा था कि समर आकांक्षा का बॉयफ्रेंड था मगर अब सामने आ रहा है कि समर ने आकांक्षा से जबरन शादी कर ली थी और वो भी कई महीनों पहले, और वो आकांक्षा को गूंगी गुड़िया बनाकर रखता था, यानी वो आकांक्षा को घर में ही कैद रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आकांक्षा किसी और अभिनेता के साथ काम करे। समर सिंह पर आरोप है कि वो आकांक्षा की कमाई पर ऐश भी उड़ाता था और जब आकांक्षा इस बात का विरोध करती थी तो वो आकांक्षा के साथ मारपीट करता था और उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। ई टाइम्स के मुताबिक आकांक्षा को पहली भोजपुरी फिल्म देने वाले यश कुमार ने कहा कि मैं वो आदमी था जो आकांक्षा को इंडस्ट्री में लाया था। मैंने एक निर्माता के रूप में अपनी पहली फिल्म में आकांक्षा को कास्ट किया था। यह भोजपुरी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म थी, वो बहुत अच्छी थी, अपने काम को लेकर एकदम डेडिकेट थी। यश ने कहा, आकांक्षा ने हाल ही में मेरे साथ एक फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट की थी और मुझे नहीं पता था कि वो हमारी साथ में आखिरी फिल्म होगी। यश ने कहा, उनके साथ आखिरी फिल्म की शूटिंग के दौरान मैंने उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं देखी, वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बस अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा परेशान रहती थी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे वो इतना बड़ा कदम उठा ले। यश कुमार ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि आकांक्षा के पास काम की कमी थी, हाँ बस वो अब एल्बम में और काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि समर उसे खुद के एल्बम के बाहर काम नहीं करने देता था, इसीलिए वो चाहती थी कि वो खुद को एक्सप्लोर करे और ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में काम करे और ये कोई इतनी बड़ी परेशानी भी नहीं है कि इसके लिए कोई अपनी जान ही दे।
दे। यश ने कहा, मेरी उससे आखिरी मुलाकात 2 महीने पहले हुई थी। वो मुझसे मिलने सेट पर आई थी और एकदम नॉर्मल लग रही थी। मैंने उससे कहा भी था कि 3 से 4 फिल्मों में तो मैं उसे कास्ट कर लूंगा और वो काफी संतुष्ट थी। मगर अब 2 महीने बाद मैं क्या देख रहा हूँ, तुम हमारे बीच नहीं हो। ऐसी क्या तकलीफ थी तुम्हें? तुम थोड़ा परेशान थी, लेकिन इतना परेशान हो जाना कि खुद को खत्म कर लेना ये अच्छा नहीं है। हम मंच पर जाते हैं तो बड़े गर्व से बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक है, लेकिन तुम्हारी मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तुम्हारी मौत ने मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। यश ने कहा, आकांक्षा खुद को नहीं मार सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे संघर्ष के दिनों से जानता हूँ। अगर वो स्ट्रगल के दिनों में खुश होकर जी सकती है, तो अब सब कुछ होते हुए वो भला ऐसा क्यों करेगी। यश ने कहा, अगर आकांक्षा के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम पुलिस को पूरी तरह सपोर्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि आकांक्षा हमारी बच्ची जैसी थी। अगर उसके साथ किसी भी तरह की साजिश हुई है तो हम आरोपियों को पकड़वा कर ही दम लेंगे। वहीं खबरें आ रही है कि इस मामले में होटल और होटल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि जब मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया तो पुलिस के आने का इंतजार किया गया ताकि होटल खुद को आरोपों से बचा सके। वहीं आकांक्षा जिस तरह फंदे पर लटकी होने के बजाय बैठी हुई कंडीशन में मिली, वो एकदम समस्या परे है, क्योंकि बैठे बैठे भला खुद को कोई कैसे फंदा डाल ले, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि आकांक्षा को पहले मारा गया हो और फिर आत्महत्या दर्शाने के लिए फंदा गले में डाला गया हो, और मारने वाले ऐसे ही बैठे हुए हाल में छोड़कर भाग गए हो। हो ये भी सकता है कि किसी होटल कर्मचारी की मदद से कमरे को मास्टर चाबी से बाहर से बंद किया हो, ताकि पुलिस के आने पर लगे कि कमरा अंदर से लॉक था। अब इतना तो सब जानते हैं कि आजकल होटल्स के क्या घरों के दरवाजे भी ऐसे होते हैं जो अंदर और बाहर एक ही लॉक में होते हैं, अंदर से बिना चाबी के और बाहर से चाबी के जरिए खुल जाते हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि होटल की भी मिलीभगत इस पूरे केस में हो सकती है। खैर, फिलहाल तो पुलिस को इस एंगल से भी जांच करने की जरूरत है। वहीं जल्द से जल्द समर सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार भी करना चाहिए और कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, ताकि आकांक्षा दुबे के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब के सामने आ सके। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आकांक्षा की मौत सिर्फ सुसाइड है या फिर इसके पीछे गहरी साजिश है? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।